classes. Today we are going to learn how to write a notice. नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले हम जो इशूइंग बॉडी है या जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सबसे पहले वो लिखते हैं. देन वी राइट नोटिस इन कैपिटल लेटर्स. ये जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, नोटिस है, हेडिंग है, ये सब आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. नोटिस के लेफ्ट साइड में आप डेट लिख सकते हैं या फिर यू कैन इवन राइट द डेट इन द नेक्स्ट लाइन. यहां पर भी आप डेट लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है. उसके बाद यहां पर हेडिंग आ जाएगी. देन यू लीव अ लाइन. तो यहां लाइन आपने लीव करी एंड देन कंटेंट ऑफ द नोटिस बिगिंस. यहां पर आप कंटेंट लिखेंगे कुछ जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. देन यू विल लीव अ लाइन, यू विल राइट द नेम. अगर आप की नोटिस लिख रहे हैं तो यहां पर आप अपना नेम लिखेंगे या एक्स वाई जेड लिखेंगे या जो क्वेश्चन में नाम दे रखा है आप वो नाम मेंशन करेंगे. आप अपना नाम भी नहीं मेंशन करेंगे, एक्स वाई जेड या फिर जो नाम दे रखा है. एंड देन यू राइट द डेसिग्नेशन. डेसिग्नेशन का मतलब हुआ अगर आप हेड गर्ल हैं या हेड बॉय हैं आप यहां पर वो मेंशन कर देंगे, वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा. नोटिस जो है जनरली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, ठीक है, जिसमें जो फॉर्मेट है आपका, ये जो फॉर्मेट हमने अभी डिस्कस किया, इस फॉर्मेट का 1 मार्क होता है. कंटेंट जो अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उसके 2 मार्क्स होते हैं. और जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब हुआ जो भी ग्रामर है या जो भी स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है आपका, उसका 1 मार्क होता है. तो जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जो एक्सप्रेशन है, उसका 1 मार्क्स होता है. तो टोटल ये जो 4 मार्क्स का आपका नोटिस आता है एग्जामिनेशन में. ओके, सो फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और यहां पर जो नोटिस है आप इसे डेट टाइम वेन्यू इसके थ्रू भी आप इसे भी यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट में या बॉडी में. ये हम अभी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन नाउ. सो ये रहा आपका क्वेश्चन. यू मिसप्लेस्ड योर केमिस्ट्री नोट्स इन द स्कूल यस्टरडे. ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द सेम. यू आर करण और करुणा. नाम आपको दे रखा है. आपने जो है अपने केमिस्ट्री नोट्स मिसप्लेस कर दिए हैं अपने स्कूल में. मिसप्लेस मतलब आपने खो दिए हैं अपने जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं स्कूल में. तो आपको उसके रिगार्डिंग एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, ठीक है. तो सबसे पहले जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया उसके हिसाब से आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग बॉडी लिखेंगे. यहां पर आप अपना स्कूल का नाम लिख देंगे, जो भी आपका स्कूल का नाम है. यहां पर नोटिस आ जाएगा, ये सब कैपिटल लेटर्स में आएगा. कीप दैट इन माइंड. ओके, यहां पर डेट आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में. यहां पर आप एक लाइन छोड़ देंगे एंड देन यू राइट द हेडिंग ऑफ द नोटिस या टाइटल ऑफ द नोटिस. यहां पर आप जो टाइटल है वो बहुत ही शॉर्ट रहेगा. यहां पर जैसे आप केमिस्ट्री नोट्स आपने मिसप्लेस किए हैं तो यहां पर आपने लिख दिया लॉस्ट केमिस्ट्री नोट्स एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, तो इस तरीके से आप हेडिंग देंगे. देन यू विल लीव अ लाइन. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कंटेंट है नोटिस का, आखिर उस कंटेंट में आप क्या लिखेंगे, ठीक है. तो यू बिगिन द नोटिस विद ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय नोटिफाइड या फिर इन्फॉर्म्ड. ये जो लाइन है ना, इसे आप नोट डाउन कर लो. मार्क दीज वर्ड्स इन योर हेड. ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय नोटिफाइड या फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड. एवरी नोटिस विल बिगिन लाइक दिस ओनली. सारे जो नोटिस हैं आप ऐसे ही स्टार्ट करेंगे. ऑल द स्टूडेंट्स यहां पर, क्योंकि आप स्कूल को जो नोटिस लिख रहे हैं, स्कूल को लिख रहे हैं. अगर आप किसी सोसाइटी की तरफ से नोटिस लिख रहे हैं तो आप मेंबर्स मेंशन कर देंगे. यहां पर ऑल द मेंबर्स आर हेयर बाय नोटिफाइड. तो यही लाइन आप यूज करेंगे. दैट आई हैव मिसप्लेस्ड माय केमिस्ट्री नोट्स इन द स्कूल यस्टरडे. और जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके की है. तो अगर आप इस तरीके से अपने नोटिस को ड्राफ्ट कर सकते हैं कि आप डेट टाइम वेन्यू उस क्वेश्चन के हिसाब से डेट टाइम वेन्यू आपको मेंशन करना है, तो आप इस तरीके से डेट टाइम वेन्यू मेंशन कर सकते हैं. यहां पर आप एक लाइन छोड़ देंगे इसके आगे ऊपर नीचे टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल. तो आपने डेट टाइम वेन्यू मेंशन कर दिया. उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी एंड देन यू राइट द नोट्स वर पाइल्ड अप इन अ ब्लू फोल्डर. कुछ आपने डिस्कस कर दिया, कुछ डिटेल्स बता दी कि आपका जो नोट्स खोए हैं वो किस तरीके से ब्लू फोल्डर में पाइल्ड अप थे और आपका नाम उसमें लिखा हुआ है. एंड यू रियली नीड देम बिकॉज यू प्रिपेयर्ड देम फॉर योर कन्वीनियंस ड्यूरिंग एग्जाम्स. तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अंडर साइन. ये लास्ट लाइन भी
आप हमेशा सेम ही लिख देंगे, फर्स्ट और लास्ट लाइन. यू नीड टू रिमेम्बर दीज लाइन्स. और यहाँ पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड आएगा. रिमाइंड, आई एम रिमाइंडिंग यू दैट यू विल राइट द है. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इफ यू आर राइटिंग ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय नोटिफाइड. अगर आपका स्कूल कोई स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट राइट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर अपने स्कूल का नाम मैंशन कर चुके हैं. यू विल राइट द स्कूल, ठीक है. या अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे करना है. सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन फॉर मोर क्लैरिटी. सो हेयर इज द सेकेंड क्वेश्चन. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल फेस्ट टू कलेक्ट फंड्स फॉर द अनफॉर्चुनेट स्लम चिल्ड्रन. डेट आपको दे रखी है और आप राज या राधिका हैं, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल. यू बिगिन द नोटिस विथ नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन कैपिटल लेटर्स, देन नोटिस लेफ्ट हैंड साइड में डेट आ जाएगी, एक लाइन छोड़ेंगे, हेडिंग आ गई. हेडिंग यहाँ पर आप कल्चरल फेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने कल्चरल फेस्ट लिख दिया. एक लाइन फिर छोड़ेंगे एंड देन यू बिगिन विद द बेसिक लाइन, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, या फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय नोटिफाइड दैट. ये आप अपने कन्वीनियंस से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. दैट ये मैंने आपको पहले बता दिया, दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग. नेवर राइट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी नाम मेंशन कर चुके हैं स्कूल का. सो दैट इज अंडरस्टूड दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल फेस्ट विद द एम टू कलेक्ट फंड्स फॉर द अनफॉर्चुनेट स्लम चिल्ड्रन. यहां पर आपने एक लाइन छोड़ी एंड देन यू मेंशन डेट इज ऑलरेडी गिवन. डेट टाइम आप कोई भी लिख देंगे एंड देन यू विल राइट द वेन्यू, स्कूल ऑडिटोरियम. यहां पर कल्चरल फेस्ट होने वाला है, ठीक है. तो ये आपने मेंशन कर दिया, यहां पर फिर से आपने एक लाइन छोड़ दी. और ये जो डेट टाइम वेन्यू ये जो डिटेल्स आप मेंशन कर रहे हैं, यहां पर आप ये भी लिख सकते थे द डिटेल्स आर एज फॉलोस, या फिर सिंपली आपने ये लिख दिया डेट टाइम वेन्यू. ये कई लोग क्या करते हैं, बीच में लिख देते हैं यहां पर डेट टाइम वेन्यू. नेवर डू दैट मिस्टेक. हम नोटिस को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, हर चीज लेफ्ट हैंड साइड से ही बिगिन करेंगे. ये एक्चुअली इंग्लिश का एक बेसिक रूल है कि हम ऑलमोस्ट हर लेटर हो या स्पीच हो, एवरीथिंग वी बिगिन फ्रॉम हेयर ओनली. तो हम बीच में कुछ नहीं ऐसे लिख देते. हेडिंग की अलग बात है, हेडिंग और नोटिस ये जो है ये बीच में आते हैं, बट जनरली जो बॉडी ऑफ दी नोटिस है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही आप बिगिन करेंगे. ओके, so all the students are urged or they are requested to contribute their bit for the same. फिर आपकी एक basic line आ गई, for more information contact the undersigned. ठीक है, आपने एक line छोड़ी राधिका और ये mentioned है already, और ये designation या क्या post है cultural secretary ये आपने mention कर दी. ठीक है, तो आप कुछ basic चीजें याद रखेंगे कि आपको जो बिगिन करना है नोटिस वो ऐसे करना है, ऑल द स्टूडेंट्स और ऑल द मेंबर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट या फिर नोटिफाइड दैट. आप इस तरीके से अपना कंटेंट को और ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं डेट टाइम वेन्यू, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड से बिगिन करेंगे. यहां पर आप आर स्कूल की जगह द स्कूल मेंशन करेंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशनड द नेम ऑफ द स्कूल. ठीक है, लास्ट लाइन आपकी हो सकती है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. ठीक है, सो आपका जो नोटिस है वो जनरली 50 वर्ड्स का होता है, तो आप बहुत ही प्रिसाइजली बहुत ही शॉर्ट में एक सूचना देंगे लोगों को या एक नोटिस देंगे. सो अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपको 4 मार्क्स बिल्कुल आराम से पूरे मिल जाएंगे. बट रिमेंबर ऑल द टिप्स आई टोल्ड यू. ओके, thank you for watching the video. For more videos do check out my channel. Like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos.